तो वेलकम टू बेक एके चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप आज का ज़माना में बहुत सारे लोग दो यानी चार कैमरा का फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन कभी आपने सुना है कि चार कैमरे को कैसे चलाया जाए एक साथ और कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है? तो दोस्तों नहीं पता है तो आपको बताऊँगा आज चार स्टेप कैमरे को चला के, लेकिन आपको कब पता चलेगा इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि सभी कैमरे को चलाना है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों बात करते हैं, मेरे पास एक फ़ोन है और दो कैमरा वाला फ़ोन है, तो अगर मैं एक कैमरा को हाथ से उंगली से दबाकर एक कैमरा चालू करके मैं दिखाता हूँ और फिर से जो चल रहा है इसी कैमरा का फिर से मैं उंगली से दबा के दूसरा वाला कैमरा चालू करके दिखाता हूँ, तो दोस्तों ये देख सकते हैं मेरे सामने ग्रीन शॉट पे डबल कैमरा का फ़ोन है और ये मैं एक कैमरा यूज़ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मान लो मैंने यहाँ पे एक कैमरा यूज़ किया है, मैं यहाँ कैमरा ओपन किया है, जैसे मैं ऊपर वाला कैमरे को मैं उंगली से दबा लेता हूँ, तो देखिए दोस्तों ऊपर वाला कैमरा को मैं उंगली से दबा लिया तो वो नीचे वाला कैमरा चल रहा है। उसके बाद मैं नीचे वाला उंगली से दबा लेता हूँ, ये देखिए नीचे वाला मैं उंगली से दबा लिया और दूसरा कैमरा, ये देखिए दोस्तों नीचे वाला कैमरा चल रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊँगा कि मैं जैसे एक कुछ चीज़ का फ़ोटो खींच के मैं दिखा रहा हूँ, जो ऊपर वाला कैमरे को मैं उंगली से दबा लिया उसके बाद आपको मैं कुछ चीज़ का मैं आपको फ़ोटो खींच के दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, मान लो ये फ़ोन का बॉक्स है तो उसका फ़ोटो मैं ऊपर वाला कैमरे को उंगली से दबाकर मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को जारी रखिए। तो देखिए दोस्तों मैं उंगली से दबाकर मैंने यहाँ एक बॉक्स का मैंने फोटोस लिया है, ये देखिए यहाँ फोटोस लिया है, यहाँ सिंपल बात है यहाँ फोटोस लिया है मैंने ऊपर वाला कैमरा दबा के। लेकिन दोस्तों ऊपर वाला कैमरा मैंने दबा के फोटो तो लिया है, लेकिन उसको मैं उसको हटा के फिर एक फ़ोटो लेता हूँ, क्या होता है? तो देखिए मैं उसको हटा के मैं फ़ोटो लिया है, तो दोस्तों कैसा आया है? ब्लर लग गया ना। तो दोस्तों वीडियो में क्या आपको बताने वाला आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ये ऊपर वाला कैमरा वो कैमरा भी चल रहा है, नीचे वाला कैमरा भी चल रहा है, लेकिन एक सिंपल तरीका ये है कि ऊपर वाला कैमरा है वो ब्लर यानी पीछे वाला बैकग्राउंड हटाने का काम करता है। आपको लगता होगा कि ये कैमरा कैसे चलाया जाए, क्यों चल नहीं रहा, लेकिन दोस्तों ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, दोनों कैमरा एक साथ ही चल रहा है, लेकिन उसमें होता क्या है, जो पीछे वाला बैकग्राउंड जो ऊपर वाला कैमरे को मैं उंगली से दबा के अगर फोटो लेता हूँ तो पीछे वाला बैकग्राउंड यानी ब्लर नहीं लगता है। तो उसका मतलब ये है कि ये कैमरा ब्लर लगाने का काम करता है, यानी पीछे वाला बैकग्राउंड लगाने का काम करता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि मैंने बताया है कि सभी कैमरा चल रहा है, लेकिन सभी कैमरे का जो अलग अलग काम करना होता है, ब्लर लगाना होता है, और सभी कैमरे का जो एक कैमरे को ब्लर, ये ऊपर वाला कैमरा है यानी नीचे वाला कैमरा, लेकिन एक कैमरा का वो ब्लर लगाने का काम ज़रूर होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ऐसी वीडियो आपको जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि ऐसी जो न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय, वंदे मातरम।